वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूं सोहेल और आप लोग देख रहे हैं क्रेजी मॉन्स्टर 94। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी हम लोग कैसे इस तरीके की भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइस बिना देरी किए आप लोगों का चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों को आ जाना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद जो हम लोगों ने फ़ोटो को क्लिक किया था तो हम लोग अपने उस फ़ोटो को ले लेंगे और उस फ़ोटो को यहाँ पर पिक्सआर्ट में इम्पोर्ट कर लेंगे। पिक्सआर्ट में इम्पोर्ट करने के बाद फ़ोटो हम लोग का कुछ पहला हम लोगों ने इस तरीके का कुछ फ़ोटो खींचा था, मतलब क्लिक किया था कुछ इस तरीके का फ़ोटो। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर टूल्स है इसमें उसको स्क्रॉल करने के बाद ऐड फोटोज़ में आकर हम लोग ने जो अपना दूसरा फ़ोटो क्लिक किया था वो दूसरा फ़ोटो हम लोग ले लेंगे। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका दूसरा फ़ोटो। गाइस बहुत ही नीचे चला गया था तो हम लोग अपना दूसरा फ़ोटो वाला ले लिया हम लोगों ने। तो उस फ़ोटो को लेने के बाद हम लोग अब सीधा करेंगे इसके एडिटिंग। पहले इसका हम लोग इरेज करेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए हम लोगों को आ जाना है इरेजर पे क्लिक करके हम लोग पर्सन पर क्लिक करेंगे अदर्स में। तो मेरा अभी डाटा ऑन नहीं था तो गाइस मैंने अपना डाटा ऑन करने के बाद पर्सन पे दोबारा से करने के बाद मेरा बैकग्राउंड इरेज हो गया। तो अभी भी इसमें थोड़ा साइड पर बचा हुआ है तो इसको इरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूर नहीं करना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा जूम करके इसको यहाँ से हम लोग इरेज करेंगे। तो पहले अभी हम लोग गाइस इसके फेस का यहाँ से कुछ ये जो बैकग्राउंड हल्का हल्का ब्लैक आप लोग देख रहे हैं तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग अभी जल्दी से इरेज कर लेते हैं। ये इसके यहाँ पर बालों के ऊपर हल्का सा बैकग्राउंड आ गया था बैक वाला, इसको भी अभी सही कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर सही कर रहे हैं गाइस। तब से कि आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। यार एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक बहुत मेहनत भी लगती है, आप लोगों को लाइक करने में तो कितना भी टाइम नहीं लगेगा। तो यार प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से लाइक वीडियो को, थैंक्स करने के लिए लाइक। फिर हम लोग इसका यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ये यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मोस्टली ऑलमोस्ट मुझे लगता है डन हो ही गया है। फिर ये यहाँ पर इसका हल्का हेयर्स का रह गया तो अभी इसको भी थोड़ा करते हैं। अरे यार भाई ये बैकग्राउंड भी इरेज हो गया तो चलो इसको अब हल्का हल्का करके इरेज करते हैं। इसको हल्का हल्का इरेज करने के बाद ये हमारा हमें लगता है ऑलमोस्ट फ़ोटो डन हो चुका है। अब इसको हम लोग अपने हैंड पर एडजस्ट करेंगे। तो अब हमने इसको जब एडजस्ट करेंगे तो ये भी ध्यान रखना होगा कि फ़ोटो ज़्यादातर लोकल ना लगे कि सच में ऐसा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा फूल से टच करके रखेंगे और इसके हैंड पर थोड़ा जूम करके ये पत्ती है तो ऐसा लगे कि सच में पकड़े हुए हैं। तो इसको यहाँ पर पत्ती को हल्का सा इसकी जो लीफ है इसको यहाँ पर कुछ ऐसे इरेज करके इसके हाथों पर रख देंगे तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा। फिर फ़ोटो कुछ ऐसा एडिट होने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे फ़ोटो को सेव। जब फ़ोटो सेव होगा फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से किया फ़ोटो सेव और फिर फ़ोटो सेव करने के बाद हम लोग आएंगे सीधे लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद हम लोग अपना फ़ोटो जो किया था एडिट पिक्सआर्ट तो उसको हम लोग कर लेंगे इसमें इम्पोर्ट लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद हम लोग इसको पहले थोड़ा क्रॉप करेंगे फ़ोटो, क्योंकि ये थोड़ा वैसा ज़्यादा ही लग रहा था। तो इसके बाद उसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद हम लोग आ गए एडजस्ट में। एडजस्ट में के बाद हम लोगों ने मारा ऑटो पे, ऑटो के बाद कलर्स में मिक्स। फिर येलो कलर को कुछ ऐसे कि अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया, आप लोग नंबर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया। फिर रेड कलर नहीं था, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से अपना थोड़ा जो है मतलब ब्राइटनेस बढ़ाते हैं अपने फेस की, मतलब थोड़ा जो गोरापन लगता है सिंपल भाषा में बताया जाए जो गोरापन लगता है उससे बढ़ता है ऑरेंज कलर से। और फिर ऑरेंज कलर के बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रीन में या येलो है शायद से, और फिर इसको ग्रीन था, ग्रीन को हम लोग कुछ ऐसे किया ताकि फ़ोटो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगे। फिर उसके बाद इसको अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि गाइस इसको एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको अभी थोड़ा एडजस्ट किया कि कितना माइनस कितना प्लस करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डार्क ब्लू कलर में क्योंकि इसकी जो हुडी है इसको सही करना है। तो इसकी हुडी के लिए हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कलर होने के बाद हम लोग सीधा और ह्यू को थोड़ा प्लस करने लगे जाते हैं। पर टेम्परेचर कलर ये देखते हैं सैचुरेशन, अब हम लोग इसको शैडो वैडो सब कुछ यहां पर देखेंगे। सैचुरेशन के बाद थोड़ा देखते हैं क्या स्काई का कलर चेंज होता है, इतना मेरे हिसाब से तो नहीं होता क्योंकि जब पीछे उसके बाद आपका कलर होता है तो भी थोड़ा स्काई का चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको किया थोड़ा वो इसलिए होता है कि वहां पर इसको थोड़ा करेंगे सही अट्रैक्शन नहीं मिलता है। टेंट के बाद हम लोग करेंगे टेम्परेचर को थोड़ा अच्छा ताकि की वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगे।
लगे और फोटो भी। और गाइज इसका शॉर्ट जो वीडियो डाली है वो मैंने शॉर्ट चैनल मतलब अपने इसी चैनल पर शॉर्ट में डाली है क्रेजी मॉन्स्टर 94 पर ही। तो आप लोग प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल के अंदर जाके। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने इफेक्ट्स डिटेल्स में। इफेक्ट्स के बाद यहाँ पर टेक्सचर जो है इसको थोड़ा बहुत प्लस में कर लेंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से। आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हैं कि फ़ोटो कैसे है कैसा लगेगा, फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा बहुत माइनस है उसमें देख रहे हैं क्या था कि थोड़ा बहुत हमें, तो तभी हम लोग इसको टेक्सचर को थोड़ा बहुत सही करते हैं। और अब ये टेक्सचर थोड़ा बहुत मुझे लगता है अभी हुआ सही। अब उसके बाद आ जाते हैं सीधा डिटेल्स में। नहीं गाइस मेरी धोखे से उंगली लग गई, सॉरी गाइस। फिर इसमें बेंटेज को हल्का सा इसमें देंगे माइनस में। और फिर आ जाते हैं हम लोग अपने शार्पिंग में। शार्पिंग में आने के बाद ये सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा प्लस किया, थोड़े थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि इससे भी फ़ोटो में थोड़ा अट्रैक्शन आता है और फ़ोटो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। नॉइज़ में जो कलर रिडक्शन मतलब कि जो कलर थोड़ा बहुत फैलने लगता है, जो वैसे फटने लगता है, तो इससे नॉइज़ रिडक्शन से सही हो जाता है। स्मूथनेस से फ़ोटो तो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है। आप लोग जानते हैं स्मूथ का मतलब क्या होता है, तो फ़ोटो उससे बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। फिर ये सब होने के बाद आप लोग अब बिफोर और इसका देख सकते हैं कुछ। और ये हुआ फ़ोटो थोड़ा बहुत हम लोगों का एडिट। और फिर फ़ोटो को कर लेते हैं हम लोग सेव। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। और ऐसी अपडेट के लिए आप लोगों बने रहिए हमारे चैनल पर। और आप लोग मुझको कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ। गाइज अगर आप लोगों ने अभी नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग शॉर्ट वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी पर देख सकते हैं। बाय।